लैपटॉप अंडर 50,000 में लेकर आ गया भाई बहुत ही तगड़ा रिसर्च करने के बाद। एंड साथ में आपको प्रोस कॉन्स भी बताऊंगा एंड एस्पेक्ट स्कोर भी बताऊंगा एंड यूजर रेटिंग एंड एक्सपर्ट रेटिंग भी बताऊंगा, जिसके थ्रू सब जज कर पाओगे कि आपके पर्पस के लिए कौन सा लैपटॉप वर्थ इट होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एंड साथ में गाइस कंक्लूजन भी बताते चलूंगा, तो वीडियोस को ध्यान से देखना फोकस के साथ, ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए एंड आप कहीं गलत लैपटॉप ना ले लो भाई। उसके बाद आपका क्या होगा पता है? पैसा बर्बाद पहन। तो चलिए फिर फटाफट वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, तो की हाल है, होप यू आर मजे में। तो अपनी लिस्ट के फर्स्ट नंबर लैपटॉप देखने में जाता है Xiaomi की तरफ से Redmi Book 15 Pro, जिसका स्पेक्स स्कोर की बात करें तो 69% का देखने में जाता है। साथ में 15.6 इंच फुल एचडी प्लस एलईडी डिस्प्ले 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिल जाता है एंड एंटी ग्लेयर स्क्रीन भी देखने में आता है 250 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ। यही बात करें प्रोसेसर का, तो इंटेल कोर i5 11 जेन देखने को मिल जाता है, जो कि 3.1 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड देखने को मिलता है। साथ में क्वाड कोर्स एंड 8 थ्रेड्स देखने मिलता है, जो कि बेस पॉइंट है। बात करें गाइस ग्राफिक्स कार्ड का, तो इंटेल इरिक्स एक्सी ग्राफिक्स देखने को मिलता है एंड रैम वेरिएंट का बात करें तो 8GB DDR4X के साथ देखने को मिलता है एंड 512GB का SSD देखने मिलता है, वो भी NVMe SSD, जो कि बहुत ही फास्ट है भाई, एरोप्लेन के जैसा। कनेक्टिविटी का बात करें तो Wi-Fi 5 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.1 देखने को मिलता है, जो कि लेटेस्ट है। साथ में विंडोज 11 होम ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। एंड भाई साहब, आप जिसका वेट था उस चीज का बात कर लेते हैं प्राइस का, तो इस लैपटॉप का प्राइस देखने में आता है 41,790 देखने में आता है। एंड बात करें फटाफट यूजर रेटिंग एंड एक्सपर्ट रेटिंग का, तो यूजर के तरफ से आउट ऑफ 5 में 4.2 का रेटिंग देखने में आता है एंड एक्सपर्ट के तरफ से आउट ऑफ 5 में 4 का रेटिंग देखने में आता है, जो की बेस्ट रेटिंग है। एंड बात करते हैं फटाफट प्रोस एंड कॉन्स का, तो प्रोस में आपको मिनिमल डिजाइन, गुड परफॉर्मेंस, कंफर्टेबल कीबोर्ड, गुड बैटरी लाइफ, क्लीन सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है। एंड यही बात करें कॉन्स का भाई, तो कॉन्स में आपको नो कीबोर्ड, लाइटिंग, नो USB-C पोर्ट्स एंड रैम को आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे भाई। 8GB रैम वेरिएंट है तो 8GB यूज कर पाओगे, उसको अपग्रेड नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। अब चलते हैं अपने लिस्ट के सेकंड नंबर लैपटॉप की तरफ, जो कि Xiaomi का कंपटीटर Realme के तरफ से देखने में आता है Realme Book Slim, जिसका स्पेक्स स्कोर की बात करें तो 71% का देखने में आता है। डिस्प्ले का बात करें तो 14 इंचेस 2K रेजोल्यूशन के साथ IPS पैनल देखने को मिल जाता है भाई। फुल HD नहीं, 2K क्वालिटी मिल रहा है इस बजट में भाई। साथ में आपको sRGB 100% देखने को मिलता है, जिससे कलर एक्यूरेसी एंड आपका पर्पस अगर एडिटिंग वगैरह हो या फिर वीडियोस ज्यादा देखते हो, तो कलर के मामले में नेक्स्ट लेवल का आपको देखने को मिलेगा। साथ में आपको एंटी ग्लेयर देखने को मिलता है एंड भाई इस लैपटॉप को जो बेस्ट बनाता है ना, 400 निट्स पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है भाई। यही प्रोसेसर का बात करें तो इंटेल कोर i3 11 जेन देखने को मिल जाता है, जो कि 3.0 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड के साथ देखने को मिल जाता है। बात करें कोर का, तो डुअल कोर 4 थ्रेड्स देखने को मिल जाता है। यही ग्राफिक्स में आपको इंटेल USD ग्राफिक्स देखने को मिलता है। बात करें रैम वेरिएंट का, तो 8GB DDR4X के साथ रैम वेरिएंट देखने को मिल जाता है एंड साथ में आपको 256GB का SSD देखने को मिल जाता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो Wi-Fi 5 ब्लूटूथ वर्जन 5.1 देखने को मिल जाता है, ये तो लेटेस्ट है। एंड साथ में आप ऑपरेटिंग सिस्टम का बात करें तो विंडोज 10 होम लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिल जाता है एंड गाइस फ्री ऑफ कॉस्ट में आप विंडोज 11 को अपग्रेड कर पाओगे, ठीक है? तो कंजूस लोग, उनके लिए बेनिफिट्स है भाई। एंड यही बैटरी बैकअप का बात करें गाइस, तो 11 घंटे तक का बैकअप आपको देखने को मिलेगा। एंड भाई साहब, इस लैपटॉप को एक और चीज खास बनाती है कि इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। Wow! जिसके थ्रू से आप फिंगरप्रिंट लॉक कर पाओगे, अनलॉक कर पाओगे एंड आपका लैपटॉप सेफ रहेगा भाई, वो वाला कंटेंट भी रख पाओगे। एंड पोर्ट का बात करें तो 2 USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, 1 USB 3.0 पोर्ट देखने को मिल जाता है। यही बात करें प्राइस का गाइस, तो 46,990 देखने को मिल जाता है। एंड अब बात करते हैं यूजर रेटिंग एंड एक्सपर्ट रेटिंग का भाई, जो कि सबसे मेन होता है। तो यूजर के तरफ से आउट ऑफ 5 में 4.4 का रेटिंग देखने को मिल जाता है एंड एक्सपर्ट के तरफ से आउट ऑफ 5 में 4 का रेटिंग देखने को मिल जाता है, जो कि बेस्ट रेटिंग है। एंड अब बात करते हैं फटाफट प्रोस एंड कॉन्स का भाई, तो प्रोस में आपको स्टाइलिश लग्जरियस डिजाइन, फैंटास्टिक 2K डिस्प्ले, कैपेबल परफॉर्मेंस, बेस्ट क्वालिटी कीबोर्ड एंड ट्रैकपैड देखने को मिल जाता है। एंड यही कॉन्स में बात करें तो आप रैम को अपग्रेड नहीं कर पाओगे, ठीक है? अगर आपकी नीड गाइस 8GB का ही है, तो आप इस लैपटॉप की तरफ जा सकते हो। बाकी बात आप चलते गाइस अपने लिस्ट के थर्ड नंबर लैपटॉप की तरफ एंड थर्ड नंबर लैपटॉप आपको देखने को मिल जाता है HP की तरफ से HP 14S, जिसका स्पेक्स स्कोर 64% का देखने को मिल जाता है। यही डिस्प्ले का बात करें तो 14 इंचेस फुल HD प्लस IPS LCD के साथ देखने को मिल जाता है। साथ में आपको एंटी ग्लेयर स्क्रीन सपोर्ट देखने को मिल जाता है, 250 निट्स पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है। एंड अब बात करते हैं प्रोसेसर गाइस, तो AMD भैया के तरफ से देखने को मिल जाता है Ryzen 5 5500U सीरीज वाला प्रोसेसर देखने को जाता है, जो कि 4.0 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड के साथ देखने को मिल जाता है। वही कोर का बात करें तो हेक्सा कोर एंड 12 थ्रेड्स देखने को मिल जाता है, जो कि बेस्ट पॉइंट है भाई इस लैपटॉप का, ठीक है? मल्टीटास्किंग वगैरह कर सकोगे बेझिझक।
ग्राफिक कार्ड का बात करें तो AMD Radeon देखने को मिल जाता है। एंड रैम वेरियंट का बात करें तो 8GB DDR4X के साथ रैम देखने को मिल जाता है। 512GB का SSD स्टोरेज देखने को मिल जाता है। वही ऑपरेटिंग सिस्टम का बात करें तो विंडोज 11 होम लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ देखने को मिल जाता है। एंड बात करें बैटरी बैकअप का तो अप टू 9 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। फाइनली बात करें प्राइस का तो 46,490 देखने को मिल जाता है। एंड अब बात करते हैं यूजर रेटिंग एंड एक्सपर्ट रेटिंग का, तो यूजर के तरफ से आउट ऑफ 5 में 4.3 का रेटिंग देखने को मिल जाता है। एंड एक्सपर्ट के तरफ से आउट ऑफ 5 में 4 का रेटिंग देखने को मिल जाता है, जो कि बेस्ट रेटिंग है। एंड अब बात करते हैं फटाफट प्रोस एंड कॉन्स का भाई। तो प्रोस में आपको पोर्टेबल डिजाइन, स्मूथ परफॉर्मेंस, नाइस कीबोर्ड देखने को मिल जाता है। एंड यही कॉन्स में बात करें तो कॉन्स में आपको ट्रैकबोर्ड थोड़ा सा छोटा आपको फील हो सकता है। फाइनली बात करें कंक्लूजन का, तो देखो भाई आपका डेली यूजर्स के लिए रिक्वायरमेंट है लैपटॉप तो आप जा सकते हो फर्स्ट नंबर की तरफ। एंड उससे थोड़ा सा हेवी चाहिए तो आप सेकंड नंबर तरफ जा सकते हो। बट अगर डेली यूजर्स के लिए चाहिए ऑफिस वर्क करना या फिर आपका नॉर्मल प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाना, यूट्यूब वगैरह चलाना, मतलब नॉर्मल टास्क करना हो तो आप जा सकते हो फर्स्ट एंड सेकंड की तरफ। ओके एंड थर्ड वाला लैपटॉप आप परचेस कर सकते हो परफॉर्मेंस वाइज के हिसाब से, ठीक है। परफॉर्मेंस सही है, नेक्स्ट लेवल का रेटिंग हो, मल्टीटास्किंग हो या फिर वीडियोस व्यूइंग हो या फिर आपको प्रोजेक्ट्स बनाना हो या फिर कुछ भी चलाना हो, ओवरऑल बात करें परफॉर्मेंस के लिए अगर आप चाहते हो तो थर्ड नंबर लैपटॉप की तरफ जा सकते हो बेहिज्जक, ठीक है। इस बजट के हिसाब से बेस्ट लैपटॉप थी। सो होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना भाई। और एक खास बात, तीनों में तो कोई ना कोई लैपटॉप पसंद आया ही होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर बाय कर लो भाई। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो ताकि आपके फ्रेंड्स भी अच्छा लैपटॉप बाय कर पाए एंड आपको भी बोले भाई थैंक यू वीडियो शेयर करने के लिए। मिलते हैं स्टूडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।